बिटकॉइन के बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन को बनाने वाला कौन था? या क्या आपको पता है कि आपका बिटकॉइन आपसे पहले किसके पास था? अगर बिटकॉइन से जुड़े ऐसे फैक्ट जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिटकॉइन से जुड़े फैक्ट के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और अन्य देशों में अलग अलग करेंसी है, उसी तरीके से एक करेंसी है जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन किसी एक देश की करेंसी नहीं है, बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी है जिसको हम चाहे किसी भी देश में कहीं भी हों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, तो आपको अपने पर्स में मोटे मोटे नोट और सिक्के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस करेंसी को कोई भी देश का कोई डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार या फिर कोई भी तंत्र कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए यह एक स्वतंत्र करेंसी है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं पहले फैक्ट के बारे में। दुनिया की पहले डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को ही माना जाता है, जिसका आविष्कार सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि इस करेंसी का आविष्कार जिसने किया था वह एक इंसान था या फिर कोई समूह था या फिर कोई कंपनी थी। असल मायने में बिटकॉइन का आविष्कार अभी भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि बिटकॉइन को जिसने बनाया उसके पास अभी 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग $3 बिलियन है। आप अपनी भारतीय करेंसी के बारे में यह नहीं पता लगा सकते हैं कि यह नोट किन किन हाथों से और किन किन लोगों के पास से होकर के आया है, लेकिन बिटकॉइन में यह एक खासियत है कि आप इसको पता लगा सकते हैं कि आपसे पहले ये किसके पास था। बिटकॉइन से जुड़ी सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, जैसे कि यह बिटकॉइन किस किस के पास होकर आया है, कितने लोगों के पास कितना दिन रहा है, यही सारी चीजें। यही वजह है कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर है और इतना ज़्यादा भरोसेमंद साबित हो गया है। बिटकॉइन इकलौती ऐसी करेंसी है जिसकी कीमत बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था यानी 2019 में, तब एक बिटकॉइन की कीमत करीब 102 रुपए ही थी, लेकिन अब यानी 2021 में या एक बिटकॉइन की कीमत करीब 22,80,000 रुपए हो गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। यह एक बहुत अच्छा समय है जब आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। हालांकि यह महंगा ज़रूर है, लेकिन इसकी कीमत आने वाले 5-10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बिटकॉइन को हमारे देश के RBI गवर्नर रघुराम राजन, एलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे देशों के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने इस करेंसी को भविष्य की करेंसी कहा है, और इनमें से बहुत बड़े बड़े लोग खुद बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। चाइना एक लौता देश है जिसने पूरे दुनिया के करीब 75% बिटकॉइन पर कब्जा कर रखा है। आज के समय में बिटकॉइन के मामले में सबसे ज्यादा मजबूत चीन ही है। एक तरफ चाइना है जहां के लोगों के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बिटकॉइन को अपने देश में पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जिनका नाम है अल्जीरिया, बोलीविया, नेपाल, बांग्लादेश और कंबोडिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक ही है, लेकिन नहीं। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है जिसके अंदर बिटकॉइन जैसी और भी कई सारी करेंसियां आती हैं। आपको बता दें कि बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन भी आती हैं। इन सभी का आविष्कार 2010 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ था। यह भी बिटकॉइन जैसे ही हैं, तो आप इनमें भी निवेश कर सकते हैं। यह बात आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि क्रिप्टो करेंसी को हमारी पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में भी भेजा जा सकता है। साल 2016 में जेनेसिस के माइनिंग में बिटकॉइन वॉलेट और बिटकॉइन के 3D मॉडल को गुब्बारे में डालकर हमारे वायुमंडल के बाहर भेज दिया गया था, और उसके बाद यह पाया गया कि बिटकॉइन स्पेस में जाने के बाद भी काम कर रहा था। उसके जरिए सफलता से लेन देन हो रही थी। बिटकॉइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे अमीर और गरीब
सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जो देश गरीब है, जहां के लोग गरीब हैं, और या फिर जहां के लोग माइग्रेंट हैं, वह बहुत सारी वजहों के चलते बैंक में अपना खाता नहीं खुला सकते हैं, या फिर आजकल बैंक में कोई छोटा सा काम कराने के लिए भी आपको बहुत सारा समय बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन को कोई भी अमीर वर्ग का आदमी हो या गरीब वर्ग का आदमी हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। यह आखिरी फैक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन को हमारे देश की पेपर या सिक्के की करेंसी की तरह बनाया नहीं जा सकता? बिटकॉइन पूरी दुनिया में सिर्फ 1 मिलियन ही है। इसको इससे ज्यादा कभी कोई नहीं बना सकता। हालांकि बिटकॉइन को पाने के लिए मैथमेटिक प्रॉब्लम और मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसे हासिल किया जा सकता है। इसे ही हम बिटकॉइन माइनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बिटकॉइन से जुड़ा यह फैक्ट कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही चौंका देने वाले फैक्ट की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।